हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज आनंद सर एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो अनवांटेड चेंजेस जो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, जिनको हम चाहते ही नहीं है कि चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आएँ, उनको हम पॉल्यूशन कहते हैं। इससे गंदगी फैलती है और हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा जो पर्यावरण होता है वो गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। और पॉल्यूशन कैसे फैलता है? पॉल्यूटेंट से। एक वर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आ रही है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल और लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। हियर वी डिस्क्राइबिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ओनली, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आप देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन ऑटोमोबाइल से हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन जब हम डस्टबिन्स को और कूड़े कचरे को हम नदियों में रिवर्स में डालते हैं तो वाटर पॉल्यूशन फैलता है। सॉल्ट एंड लैंड पॉल्यूशन, गारबेज और डंपिंग आजकल बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, गारबेज कलेक्टर और डंपिंग, जिससे सॉइल और लैंड पॉल्यूशन फैलता है। और नॉइज़ पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, बूफर्स, हाईली नॉइजली मशीन्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रक्स, इनकी वजह से हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। एयर पॉल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस H2S, SO2, SO3, CO, N2O, दीज आर टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड डस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच कॉसेज पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। अब एयर पॉल्यूशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है गैसियस एयर पॉल्यूशन जो गैस से फैलता है, और एक होता है सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स यानी जो सॉलिड पार्टिकल से फैलता है, जैसे हम SPM बोलते हैं। SPM का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को कॉपी में लिखवा दिया था, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखें तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कहाँ से मिलता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, मिट्टी का तेल बर्न करते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गाड़ियों के धुएं से, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो मथुरा में मैंने आपको पढ़ाई थी केस स्टडी ताजमहल वाली, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम उसी में से, वहाँ से भी ऑक्साइड सल्फर निकलते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी यहीं से मिलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला CO, इसमें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से मिलता है, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल से मिलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड फार्मूला बता दिया H2S, सिटी सीवेज जो हमारे टैंक होते हैं, डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जब सब्जियां और छिलके पत्ते सड़ते हैं, वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पेंट वार्निश इंडस्ट्री, ड्राई क्लीनिंग, एसिड फ्यूम्स फर्टिलाइजर से, केमिकल इंडस्ट्री से और मेल्टर फिनिशिंग से एसिड फ्यूम्स निकलते हैं। आप सॉलिड पॉल्यूटेंट्स के बारे में आ जाओ, ऐसे पार्टिकल जैसे SPM, जैसे मैंने बताया था SPM, सॉलिड पार्टिकुलर मैटर्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स जो एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, स्मोक कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, डस्ट ब्लास्टिंग, स्टोन क्रशर्स वुडवर्क जहाँ पर कभी कभी ब्लास्ट होते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए, स्टोन क्रशर्स गिट्टी पिसती है, सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस माइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ एस्बेस्टोस शीट्स एंड फायर प्रूफ फैब्रिक, लेड ऑक्साइड PBO, ध्यान रखना है लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला PBO, मरकरी HG, माइनिंग, यूज ऑफ फंगीसाइड्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, गाड़ियों की सर्विसिंग लगातार टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए, यदि आप टाइम टू टाइम नहीं करवाएंगे तो गाड़ियों में क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। इनकम्प्लीट कम्बशन होने से आपकी गाड़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। और तीसरी चीज़, ये वाली टेबल आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है और सबको ये फ़ोटो अपने ग्रुप में सेंड करना है कॉपी करने के बाद, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम मैसेज इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।